अस्सलाम वालेकुम, ज़ोया किचन में स्वागत है आपका। आज मैं बनाऊंगी कबाब दादी के स्टाइल में। मेरी दादी के स्टाइल में कबाब बनाऊंगी। पीसेस करने के बाद ऐसे पीसेस कर लीजिएगा, ओके, पतला और लंबा। चाहे आपको चौकोर कर सकते हैं ताकि वो जल्दी गिलेगा नहीं, फिर भी आप लंबा करिएगा। आप मैंने पीस रखा है ये पपाया पीस लिया, कच्चा पपीता पीसा है ताकि उसमें गोश्त जो होता है हमारा वो जल्दी गल जाए। आपके पास टाइम नहीं है तो आप पपाया को पीस लीजिए, कच्चे पपीते को, दो में गल जाएगा, ओके। और उसमें सारा हल्का मसाला, लहसुन, अदरक और गरम मसाला, मिर्ची सब मिक्स कर लीजिएगा, अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। पपाया हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है और हम मैरिनेट भी नहीं कर सकते हैं, तो या गोश्त बढ़ेगा तो जल्दी गलेगा नहीं, तो हमने थोड़ा और ले लिया है गलने के लिए। ज़्यादा नहीं दीजिए डालिएगा, कितना क्वांटिटी उससे थोड़ा सा कम डालिएगा, ज़्यादा डालिएगा तो जल्दी गल जाएगा ज़्यादा एकदम, और थोड़ा कम गलेगा कम डालिएगा तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। पपाया उसमें थोड़ा टेस्ट लाने के लिए हम डाल रहे हैं ब्राउन प्याज डालने से क्या होता है एकदम सोनापन आ जाता है, एकदम टेस्ट और हो जाता है। प्याज नहीं डाले हैं ऐसे कच्चा पिसा हुआ, हम इसको ब्राउन करके डालेंगे। ब्राउन डालने के बाद इसको ऐसे डालेंगे, थोड़ा सूख जाएगा तो क्रंची हो जाएगा। तो उसको अब हम ये जो है हमारा सीख हमारे पास था नहीं, तो हम जो मूंग का जो तीली होता है उससे हम बनाएंगे कबाब। तो हम इसमें इसको डाल के प्याज हमने कर रखा है, उसको ब्राउन किया हुआ है, उसको सुखा दिया है तो वो क्रंची हो जाएगा। हम इसमें डाल रहे हैं प्याज। प्याज डालने से क्या होता है सोनापन तो और ही टेस्टी हो जाएगा। थोड़ा सा भुनेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से ताकि उसको और ज़्यादा तरफ, और उसको हम इस तरह से भूख लेंगे, भूख के मतलब यूज़ करेंगे, उसमें पिरो लेंगे जैसे हम कबाब में डालते हैं, ओके। और हम इस तरह से सब में कर लेंगे। हमने इसलिए सीख कर लिया है कि हमारे पास सीख था नहीं, तो हम घर में रखा हुआ था हमारा उनका तेली तो यूज़ किया, और लकड़ी हमारे था तो आप लकड़ी को चार कर सकते हैं और पतला पतला ताकि वो हो जाए। हमारे घर में लकड़ी और करीबी था तो इस तरह से देखिए पिरो लिया और थोड़ा तेल में ब्राउन, जिस तरह से हमने ब्राउन किया था प्याज उसके बचे हुए तेल में हमने इसको एक एक करके डालेंगे कम आँच पे। ढक के नहीं डालेंगे, खोल के रखेंगे क्योंकि हमने अदरक इसमें पपाया डाला हुआ है और अदरक भी थोड़ा सा, तो इसमें हम ऐसे डाल लेंगे, बना लेंगे, इसको पलटा पलटा करेंगे। देखिए हम पलट रहे हैं, चाकू से नहीं पलट रहे तो फिंगर से हम पलटेंगे, सही से पलटिएगा ताकि हाथ पे पड़ेगा क्योंकि उसका पानी जो होता है ना वो सूख हो रहा है, वेपरेट हो रहा है तो आपके हाथ में हो जाएगा, पड़ेगा तो थोड़ा केयरफुली आप कीजिएगा। और 15 मिनट के बाद अलट पलट करने के बाद देखिएगा तेल और गल गया। देखिए किस तरह से हम दादी के स्टाइल में, हमने अपने दादी के स्टाइल में बनाया था कबाब, तो हैंड से देखिए मैं आपको टच करके दिखा रही हूँ, एकदम सॉफ्टली ईजी कट गया है, एकदम फिंगर से खा सकते ईजी। अस्सलाम वालेकुम।